तिरंगा फहराया गया है और उसके बाद 8:30 बजे बड़े चौपड़ पर मुख्यमंत्री तिरंगा फहराएंगे। सुबह 9:15 बजे यानी 9:15 पर अमर जवान ज्योति पर पुष्प चक्र चढ़ाएंगे। सुबह 9:20 पर राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री शामिल होंगे और 11:00 बजे सचिवालय में ध्वज फहराएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। शाम 4:00 बजे राजभवन पर एट होम में शामिल होंगे। तो तस्वीरें इस वक्त आपकी हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और यहाँ आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया है, परेड की सलामी ली है। तो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने परेड की सलामी ली है और आगे की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। करीब बताया जा रहा है 8:30 बजे का वक्त है जब बड़ी चौपड़ पर तिरंगा फहराएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यानी करीब आधे घंटे बाद। सुबह 9:15 पर अमर जवान ज्योति पर वो पुष्प चक्र चढ़ाएंगे और उसके बाद यानी करीब 9:20 पर राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। तो तस्वीरें हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, तिरंगे को सलामी दी, परेड की सलामी ली उन्होंने और ये तस्वीरें उस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। 8:30 बजे का वक्त जब मुख्यमंत्री बड़ी चौपड़ पहुंच जाएंगे, यहाँ पर भी तिरंगा फहराएंगे और परेड की सलामी यहाँ पर लेंगे, राष्ट्रध्वज को सलाम करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो तस्वीरें लगातार सामने आती जा रही हैं। तो आज पूरा देश ये महापर्व मना रहा है, गणतंत्र दिवस मना रहा है, 74वां गणतंत्र दिवस। और इस महापर्व का आज पूरा हिंदुस्तान जोर और शोर के साथ इस महापर्व को मना रहा है। तो राष्ट्रीय ध्वज फहराया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, उसके बाद परेड की सलामी ली है। तो एक एक करके तस्वीरें सामने आती जाएंगी क्योंकि आज पूरा कार्यक्रम रहने वाला है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। जब 8:30 बजे वो बड़ी चौपड़ पहुंच जाएंगे और तिरंगा फहराएंगे, तो तस्वीरें सीधा आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पहुंचे और उन्होंने परेड की सलामी ली। तो गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो कि हर साल प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। आज 74वां गणतंत्र दिवस है, पूरा भारतवर्ष ये महापर्व मना रहा है और इस साल 2023 यानी कि इस साल भारत का 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन आपको बताते चलें कि साल 1950 को भारत सरकार अधिनियम यानी 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। तो ये भारत के 3 राष्ट्रीय अवकाशों में से एक है। स्वतंत्रता दिवस संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। तो देश के हर कोने में आज हर एक व्यक्ति गौरवान्वित महसूस कर रहा है, इस महापर्व को मना रहा है। और राज्यपाल कलराज मिश्र की बात कर ली जाए तो उन्होंने भी शुभकामनाएं दी हैं देश और प्रदेश वासियों को। और इस वक्त आपको सीधा लिए चलते हैं पीसीसी की तस्वीरें दिखाएंगे।